अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। ये कमस्टो का व्हील लोडर है, 380-5। ठीक है, WA380-5 ये लेटेस्ट मॉडल है। इसका वाटर पंप रिमूव करने लगे हैं, इसका वाटर पंप लीक हो गया है। ठीक है, इंजन का व्यू वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे उस्ताद मोहतरम शौकत साहब, यस शौकत साहब माशाल्लाह हसन अदा फ्रॉम पाकिस्तान से। ठीक है, इसका वाटर पंप लीक हुआ है, इंजन का कमिंस का इंजन है। ठीक है, इंजन का जो मॉडल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जी इंजन का मॉडल है SAA6D11। ठीक है, SAA6D11 4E-2। ठीक है, ये इंजन का मॉडल है, कमिंस का इंजन है। और इस इंजन का वाटर पंप रिमूव करते हैं। इसका वाटर पंप किस जगह में लोकेटेड है? वाटर पंप के लिए आपको सबसे पहले ये शीट वगैरह रिमूव करनी पड़ेगी। अभी ये शीट वगैरह रिमूव कर ली है व्यूअर्स। के शीट रिमूव करने के लिए बस सिंपल सा मेथड है, कोई इतना ख़ास नहीं है। शीट वगैरह आप लोगों ने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ये इसका वाटर पंप है। ठीक है ना, ये इसका वाटर पंप है। अभी वाटर पंप रिमूव करेंगे। वाटर पंप रिमूव करने के लिए आपको एडजस्टर को रिमूव करना पड़ता है। इसका बेल्ट वगैरह आप लोगों को ये ऊपर से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वाटर पंप रिमूव करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इसका व्यू है वाटर पंप का। वाटर पंप जब भी लीक हो जाएगा तो आपको इंजन ओवर हीट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, इंजन ओवर हीटिंग की बहुत सी रीज़न है। इसमें रेडिएटर भी चौक हो सकता है, रेडिएटर का कैप भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसका जो फैन की थ्रो है उसकी आर्कम वगैरह कम होगी, तब भी ये इंजन ओवर हीट होगा, क्योंकि इसका फ़ैन के बेल्ट वगैरह नहीं लगे हुए हैं। फ़ैन जो ड्राइव लेयर है वो फैन मोटर के साथ उसका कनेक्शन है, हाइड्रोलिक मोटर लगा हुआ है, फ़ैन को वो ड्राइव दे रही है। इसी तरह इंजन के टेपट वगैरह भी अगर बहुत हार्ड हो जाते हैं तो तब भी इंजन गर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये बेल्ट का रूट आप चेक कर लो। सबसे पहले व्यूवर्स, ये क्रैंक का पुली, क्रैंक के पुली से होता हुआ बेल्ट सीधा ये एडजस्टर को, एडजस्टर से होता हुआ वाटर पंप को ड्राइव देता है, वाटर पंप से अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर से ऊपर इसका एक आइडल पुली लगा हुआ है, आइडल पुली से नीचे वो सीधा जा रहा है। ये इसका बेल्ट का रूट है। ठीक है ना, कभी बेल्ट वगैरह चेंज करना पड़ जाता है तो रूट्स वगैरह इसका ये सिंपल सा रूट्स है। और ये आगे वाला जो बेल्ट लगा हुआ है ये एसी का बेल्ट है। बस इसके तीन ही बोल्ट हैं, ये 12 नंबर का बोल्ट है, नीचे भी 12 नंबर का बोल्ट है, ऊपर 10 नंबर का है। ठीक है, नट लगा हुआ है। ये सब पूरा ही आ रहा है इसका, स्टार्ट दिया हुआ है। अभी पंप को रिमूव करते हैं। Thank you.
खोल लिया अभी बस। ये देखो इसको रिशाफ टूट चुका है, रिशाफ टूटने से ये लीक हो गया। ये भी अंदर टूटे हुए हैं।